इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है, तो वो संकट अभी टल चुका है। माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अब इनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक मनीष कश्यप रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कहना हुआ, इंस्पेक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहां पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी चूंकि वो तमिलनाडु में भाषा खाने पीने का सारा चीज वो कॉल कल्चर का होता है, तो इनके लिए समझिए काला पानी के संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं। तो अभी एक लाइन में आर्गूमेंट में यही कहा गया कि उनके वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है, डे बाय डे इनकी सुनवाई में जब कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात है। उसमें एक और अक्यूज जो है युवराज सिंह, जिनको भी आज 18 दिन से यहाँ प्रस्तुत किया गया, उनको भी अब वहीं पर भेजा जाएगा, देखा जाएगा। अब सर अभी क्या जानकारी आई है सर? कौन बात? रुके रुके रुके, इधर आइए, वहाँ पीछे होगा वीडियो। अभी बोलिएगा नहीं कोई, अभी उनके हटाइए ना कि मनीष कश्यप रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कहना हुआ, इंस्पेक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहाँ पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी चूंकि वो तमिलनाडु में भाषा खाने पीने का सारा चीज़ वो कॉल कल्चर का होता है, तो इनके लिए समझिए काला पानी की सजा जैसी थी। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा? जब तक अब केस है इनका, जब तक बेल नहीं होता है तब तक वो बिहार में पटना में रहेंगे। लेकिन उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिए प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, ये प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होना है। आपको याद होगा शहाबुद्दीन जी के केस में बेल जब हुआ था और काफिला देख के ही उनको यहाँ से भेज दिया गया था, तो प्रशासनिक कारणों का भी बहुत सारा होता है। तो इनके समर्थकों को बहुत अभी संयम रखने का भी बेल के लिए आवेदन करना है। अभी तो इनके ऊपर संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं। तो अभी एक लाइन में आर्गूमेंट में यही कहा गया कि उनके वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है, डे बाय डे इनकी सुनवाई में जब कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात है। उसमें एक और अक्यूज जो है युवराज सिंह, जिनको भी आज 18 दिन से यहाँ प्रस्तुत किया गया, उनको भी अब वहीं पर भेजा जाएगा। अभी सारे केसेस में इनको जो है सो लेके अब सुनवाई नहीं है। अभी ये इस मुद्दे पर तय था, लोगों के इनके समर्थकों में चिंता इस बात की थी कि क्या इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है, तो वो संकट अभी टल चुका है। माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अब इनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि तमिलनाडु पुलिस कोई मांग करती है तो वो उनको तमाम तरह की बात और बिहार के।